टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 45,000। तो भाई अगर आपका बजट 45,000 है, इस बजट रेंज में आपको कैमरा भी तगड़ा चाहिए, प्रोसेसर भी तगड़ा चाहिए, स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, तो ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करूँ, नंबर 5 पर यार मैंने रखा आईफोन XR को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, अगर आप एप्पल लवर हो, आपके लिए बेस्ट डील होने वाली है, बिकॉज ये स्मार्टफोन आपको 45,000 के बजट में नॉर्मली ईजिली देखने को मिल जाता है। माइनस पॉइंट की भी सीधी बात कर लेते हैं, माइनस पॉइंट सिर्फ इसकी बैटरी देखने को मिलती है, मतलब भी अगर आप हार्ड कोर गेमिंग करोगे तो इसका बैटरी का लेवल जो है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, और कोई भी माइनस पॉइंट नहीं देखने को मिलता। मैं बात कर लेता हूँ मेन स्पेसिफिकेशन की, ज़्यादा समय खराब नहीं करते। तो डिस्प्ले की बात करते हैं, आपको 6.1 इंच की लिक्विड रेटिना IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, ये 8A12 बायोनिक चिपसेट के साथ देखने को मिलता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भैया अगर आप हार्ड कोर गेमिंग करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, आप सभी के लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। बैटरी की बात करूं, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी बैटरी लेवल कम है, जो कि जल्दी ख़त्म हो जाती है। आपको 2942 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 15W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, प्लस आपको वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। कैमरे की बात करूं, आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा 12MP के साथ, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात, आपको 7MP सेल्फी मिल जाती है, लेकिन आपको सेल्फी में 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। स्टोरेज की बात करूं, आपको 3GB रैम मिल जाती है, एंड ये 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 64GB स्टोरेज प्लस 128GB स्टोरेज प्लस 256GB स्टोरेज। मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी, अगर आपने आईफोन XR की ओर जाना है, आपने मिनिमम 128GB स्टोरेज की ओर मिनिमम जाना ही जाना है। उसके बाद हम बात करें जो स्मार्टफोन है, आपको वाटरप्रूफ देखने को मिल जाता है, आपको IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है। अगर पानी वगैरह गिर भी जाता है तो स्मार्टफोन ख़राब नहीं होने वाला, जो कि एक प्लस पॉइंट आ जाता है। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 से लेके 45,000 है, आप जा सकते हो आईफोन XR की ओर। आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूँ, नंबर 4 पर यार मैंने रखा OnePlus 8 को। तो सबसे पहले भाई अगर आप OnePlus लवर हो, आपके लिए परफेक्ट चॉइस होने वाली है। एंड 2020 में OnePlus 8 हो गया, OnePlus 8 Pro हो गया, बहुत क्रिएटर्स ने इनको पसंद किया, बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं। ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 6.55 इंच की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात, आपको 4300mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूं, आपको 48MP प्लस 60MP प्लस 2MP कैमरा देखने को मिल जाता है, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। 30 and 60 FPS पर आपको 16MP के साथ सेल्फी मिल जाती है, लेकिन आपको सेल्फी में 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, आप 1080p पर ही रिकॉर्ड कर सकोगे। स्टोरेज की बात करूं, ये 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 8GB रैम के साथ, 12GB रैम के साथ, जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप उसके और चल जाना। प्राइस की बात करूं, 40,000 से बजट से लेकर आपको 45,000 के बजट में OnePlus 8 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिए OnePlus 8 के। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। एंड इसको ग्रीन कलर ज़्यादा सूट करता है, अगर आपने जाना है तो भाई ग्रीन कलर की ओर ही जाना। वैसे तो इसके 2 कलर और भी आते हैं, लेकिन इसको ग्रीन कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर ना भी हो तो भाई खुद भी चेकआउट कर लेना, सर्च आउट कर लेना, जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 पर मैंने रखा यार MI 10T Pro को। तो सबसे पहले भाई अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, बिकॉज आपको 8K वीडियो शूट देखने को मिल जाता है। आप 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नॉर्मली ईजिली कर सकते हो, लेकिन आपको फ्रंट कैमरे में 20MP की सेल्फी मिल जाती है। आपको सेल्फी में 4K ऑप्शन तक भी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन सेल्फी में अगर आप फोटोज क्लिक आउट करना चाहते हो, रील्स वगैरह भी अगर आप फ्रंट कैमरे से बनाना चाहते हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होने वाला है। MI ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है। अगर डिस्प्ले की बात करूं, आपको 6.67 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, IPS LCD देखने को मिलेगी, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाएगा, तगड़ा प्रोसेसर है भी। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग भी करनी है, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। स्टोरेज की बात, आपको 8GB रैम मिल जाएगी, प्लस आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूं, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, 108MP प्लस 30MP प्लस 5MP। सेल्फी मैंने आपको पहले भी बता दिया। प्राइस की बात करूं, आपको 40,000 के बजट से लेकर इसका प्राइस 43,000
के बजट तक भी जा सकता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया MI 10T Pro के। तो भाई अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, आप इस स्मार्टफोन के और जा सकते हो, नॉर्मली इजिली जा सकते हो। चेकआउट करना चाहते हो लिंक प्रोवाइड किया, आप चेकआउट भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ। नंबर टू पे यार मैंने रखा है असूस रॉग फोन 3 को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आप हार्डकोर गेमिंग लवर हो या अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट चॉइस होने वाला है। मतलब ये स्मार्टफोन बना ही फॉर गेमिंग के लिए। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, नॉर्मली इजिली कर सकते हो, आपको एयर ट्रिगर मिल जाते हैं, मतलब आप गन शॉट अपर से ही कर सकते हो, आपको डुअल टाइप सी चार्जिंग देखने को मिल जाती है, आप दो जगह से इस फोन को चार्ज कर सकते हो, कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। यही चीज़ तो चाहिए होती है भाई, अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है आप इजीली नॉर्मली कर सकोगे। प्लस आपको लाइक बैक साइड में आपको असूस का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि RGB लाइटिंग के साथ देखने को मिलता है ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपको ये स्मार्टफोन अच्छा लगता है आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 6.59 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, जो कि AMOLED डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले क्वालिटी सच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है भाई, सीधी सी बात है। प्रोसेसर की बात को स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात को 12 GB रैम मिल जाएगी, प्लस आपको 128 GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको थोड़ी वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बातों को ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 64 MP प्लस 30 MP प्लस 5 MP। सेल्फी की बातों को 24 MP के साथ सेल्फी मिल जाती है। अदर फीचर्स की बात करूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको डुअल USB पोर्ट मिल जाएंगे, RGB लाइटिंग मिल जाएगी, कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा, एयर ट्रिगर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस कम हो गया यार, पहले इसका प्राइस देखने को मिलता था 48,000 से लेके 50,000 के बजट तक, लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया बिकॉज असूस रॉग फोन 5 नया लॉन्च हो गया। तो इसका बजट रेंज आपको मिल जाता है 40,000 के बजट रेंज में। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 है, आप जा सकते हो असूस रॉग फोन 3 की ओर। स्मार्टफोन पूरा लोडेड है, जितने भी आपने लाइक कोई भी हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन पे, आप नॉर्मली इजीली कर सकोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ। नंबर वन पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ कह देना चाहता हूँ भाई, अगर मेरा बजट होता 45,000 अगर मेरा बजट होता तो भाई मैं इसी स्मार्टफोन की ओर जाता, बिकॉज आपको स्मार्टफोन पूरा लोडेड मिल जाता है, सैमसंग का ब्रांड है, प्लस आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिल जाती है, प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा है, एंड 6 कलर्स में देखने को मिलता है। जितने भी इसके कलर्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मार्टफोन्स को सूट करते हैं। अगर आप खुद चेकआउट करना चाहते हो आप खुद भी चेकआउट कर लेना। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली मैं आपको बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बातों को 8 GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 128 GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूँ, आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, 25 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, प्लस ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कैमरे की बातों को 12 MP प्लस 8 MP प्लस 12 MP ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। आपको सेल्फी की बातों को 32 MP सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के। तो यार स्मार्टफोन पूरा ही लोडेड, अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, या अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए, उसके साथ साथ भी अगर आपको वाटर प्रूफ स्मार्टफोन चाहिए वो भी आपको देखने को मिल जाता है, आपको IP68 रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो पानी वगैरह गिर भी जाता है, 1.5 मीटर तक आप मतलब आधे घंटे तक इस स्मार्टफोन को पानी में रख सकते हो, नॉर्मली इजीली रख सकते हो, जो स्मार्टफोन है वो ख़राब नहीं होने वाला। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 से लेके 45,000 है तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए परफेक्ट चॉइस होने वाला है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो चल गया, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा यार, उसको चालू कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।